नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 यमहा MT125 के बारे में। वैसे तो मैंने इस बाइक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये बाइक कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, और अगर लॉन्च होगी तो क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या कुछ प्राइस रहेगी। सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 124.7 सीसी का 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल AF5 BS6 इंजन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट करेगा 14 BHP के अप्रॉक्स पावर और 11 Nm के अप्रॉक्स टॉर्क। तो इस बाइक में आपको इंटरनेशनल वेरिएंट के मुकाबले थोड़ी सी कम पावर देखने को मिलेगी, और इसमें आपको वही 6-speed का गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में 276mm का डिस्क ब्रेक और रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि कंपनी आपको इस बाइक में ABS प्रोवाइड करे, नहीं तो आपको इसमें CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। और यहाँ अपनी कोई भी बाइक को अगर इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है तो कॉस्ट कटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, तो ऐसा हो सकता है कि इस बाइक में आपको ABS देखने को ना मिले। बात कर लें अगर इस बाइक की माइलेज के बारे में, तो इस बाइक से आपको सिटी में देखने को मिल जाएगा 45 से लेकर 50 KMPL तक का माइलेज। वहीं आपको हाईवे में देखने को मिल जाएगा 50 से लेकर 55 KMPL तक का माइलेज। तो इस बाइक से आपको काफ़ी अच्छा माइलेज देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इस बाइक के मॉडल के बारे में। तो इस बाइक का मॉडल आपको बिल्कुल MT15 जैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारे न्यू कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको फ्रंट में USD फोक्स देखने को मिलें, नहीं तो आपको टेलीस्कोपिक ही देखने को मिलेंगे। इसमें आपको फ्रंट में फुल्ली LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, रियर में LED टेल लैम्प और इंटीग्रेटर्स भी आपको LED में ही देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको RPM मीटर, गियर इंडिकेटर, क्लॉक, ब्लूटूथ, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर जैसे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको फ्रंट में 100 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में आपको 140 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो कंपनी आपको इस बाइक में 125cc सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे टायर प्रोवाइड करेगी, और 125cc सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा लुक भी प्रोवाइड करेगी। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की एक्सरूम प्राइस के बारे में। तो यमहा MT125 की एक्सरूम प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 1,30,000 rupees अप्रॉक्स। अगर ये बाइक इस प्राइस में इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो ये बाइक यहाँ पर इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहेगी, और इस बाइक का सीधा कंपटीशन यहाँ पर KTM Duke 125 से रहेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर एक 125cc में ऐसी बाइक परचेस करने की सोच रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी एग्रेसिव लुक देखने को मिलता हो और काफ़ी अच्छे फीचर्स भी देखने को मिलते हों, तो आप लोग यहाँ पर इस बाइक के लिए वेट कर सकते हैं। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ। जय हिंद।